सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। पाठक ब्लॉक अध्यक्ष रेवती कुटदार संघ, कैसा क्या मामला है, पुतला फूंका गया है क्या? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने द्वारा राज्यसभा में कुटदारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया, उसके विरोध में हम लोग पूरे प्रदेश में ये उनके खिलाफ चल रहा है धरना प्रदर्शन और पुतला दहन हो रहा है। इसमें हम लोग बाहडी तहसील पे अपने हम लोग ब्लॉक के और समस्त कुटदार एकत्र होकर उनका पुतला दहन किए हम लोग। हाँ, और SDM बाहडी राजेश गुप्ता सर को हम लोग ज्ञापन भी दिए, आश्वासन मिला है कि हम लोग मुख्यमंत्री साहब के यहाँ आपके यहाँ ज्ञापन को पहुँचा दिया जाएगा। सिंह तहसील अध्यक्ष बाहडी। सिंह जी, कैसा पुतला दहन हुआ था, क्या था? वो संजय सिंह आप पार्टी का जो संसद थे, उन्होंने अनाप शनाप दुकानदारों के खिलाफ बोले थे संसद में, इसीलिए उसका पुतला जलाया गया। क्या बोले थे वो दुकानदारों को? कह रहे थे कि नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, चोर है, चुट्टा है, यही बोले हैं। आप लोग क्या मांगे हैं? हम लोग की मांग है कि वो हम लोग से माफ़ी मांगे, नहीं तो जहाँ भी उनका पार्टी खड़ा होगा हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, किस अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है? SDM बाहडी को दिया गया है। क्या नाम है उनका? राजेश कुमार गुप्ता। माननीय विधायक जी को भी। मैं आनंद प्रकाश सिंह, कुटदार संघ का जिला अध्यक्ष। आप लोग तहसील में आए हैं, क्या मामला है, कैसा पुतला फूके हैं, क्या कहेंगे? हम लोग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने एक बयान दिया था जो कुटदारों को अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे, जो हम लोग के देश के किसी भी सांसद ने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया था, इसी के फलस्वरूप हम लोगों का पुतला फूका है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफत करते हुए किसी भी चुनाव में अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो उनका हम लोग विरोध करेंगे। जब तक हम लोग से माफ़ी नहीं मांगेंगे या सॉरी फील नहीं करेंगे तब तक हम लोग आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे। हमने यहाँ के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। हम लोग प्रत्येक जो विधानसभा या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में कमीशन 200 रुपया क्विंटल हो गया है, हम लोग भी मांग किए हैं कि UP में भी 200 रुपया क्विंटल कमीशन किया जाए। हम लोग तो मांग 300 रुपया का है, लेकिन कम से कम 200 रुपया कुटदारों को मांग किया जाए, वो भी अपना ईमानदारी पूर्वक काम कर सके, कहीं जनता में शिकायत ना हो। हम लोग सरकारी योजनाओं को सही रूप से लागू कराना चाहते हैं और इसमें कहीं भी त्रुटि ना हो, इसके लिए हम लोग 200 रुपया क्विंटल कमीशन की सख्त आवश्यकता है, इसलिए मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे। कितनी मांगे थी हम लोग? बस केवल कमीशन संबंधित समय मांगे हैं और कमीशन हम लोग को जो बकाया पिछले 6 महीने से, कल उप जिला पूर्ति अधिकारी से बात हुआ है कि आप लोगों को कमीशन खिचड़ी से पहले आ जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ अन्य जनपदों में हड़ताल भी शुरू होने वाला है और खिचड़ी तक कमीशन नहीं आएगा, हो सकता है कि यहाँ भी हड़ताल हो जाए। हम लोग जैसे भी अपनी मांग रख रहे हैं, जो आश्वासन हम लोग सांसद वीरेंद्र सिंह महतो द्वारा लिखा गया था कि आप लोग के फरवरी तक मांग को पूरा किया जाएगा, और फरवरी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है तो प्रदेश नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे।